लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें जो आ रही है कि पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो अभी तक फरार चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है शाइस्ता। शूटर साबिर और अतीक की बहन आयशा नूरी भी पिछले 30 दिनों से शाइस्ता के साथ हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि शाइस्ता, साबिर और आयशा नूरी प्रयागराज और कौशाम्बी सीमा पर कछार इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि शाइस्ता की जो लास्ट लोकेशन है वो भी इसी इलाके से निकलकर सामने आ रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है शाइस्ता परवीन, क्योंकि इस समय शाइस्ता परवीन बड़े फोकस के अंदर है। मैं रुक करूंगा, मेरे सहयोगी वरुण लगातार बने हुए हैं। वरुण, लगातार टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए भी ट्रैक किया जा रहा है शाइस्ता को, आयशा नूरी को, जो लास्ट लोकेशन मिली है यानी प्रयागराज के पूरे इलाके में बनी हुई है, इतनी दबिश के बावजूद अब तक कैसे बचने में कामयाब हो रही शाइस्ता? देखिए, बिल्कुल हम शुरुआत से यही बात कह रहे थे कि जो लोकल नेटवर्क है वो अतीक का बहुत ज़्यादा मजबूत है और कहीं ना कहीं उस लोकल नेटवर्क की मदद से ही जो शाइस्ता परवीन है वो अभी तक फरार होने में कामयाब रही है और इनफैक्ट वो पूरा जो गैंग है उसकी कमान फिलहाल संभाल रही है। आपको बता दूँ, अभी भी शाइस्ता परवीन के अलावा दो और शूटर हैं, जो कि जिसमें शूटर साबिर और अरमान हैं, वो भी फरार चल रहे हैं। और शूटर साबिर सूत्र ये बता रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जब से इस वारदात को अंजाम दिया है, लगातार आयशा परवीन और साथ ही जो अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, इन दोनों के साथ है, यानी कि ये तीनों लगातार एक साथ बने हुए हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी का जो इलाका है वहाँ पर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और आप देखिए कितना टेक्निकली ये मजबूत है कि रोज डेली मोबाइल और सिम बदला जा रहा है, कुछ इस तरीके से लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पुलिस जब तक पहुँचती है, टेक्निकल सर्वेलेंस से ज़्यादा मदद नहीं मिलती, पुलिस ब्यूरो के जरिए पहुँचती है तब तक ये वहाँ से आगे भागने में कामयाब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल भागने की भी तैयारी थी, अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने चारों तरफ से इनको बिल्कुल घेरा हुआ है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो सकती है। जी ठीक है वरुण, और हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए थे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।